हेलो दोस्तों, कैसे फिर आप सभी। मैं आपका दोस्त एनबीडी। ये सेकंड पार्ट है और यही फाइनल पार्ट है, हाउ टू राइड अ बाइक और जो बिगनर्स गाइड था उसका। तो अगर आप डायरेक्ट इसको देखेंगे तो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन आ जाएगी कि क्या हो रहा है। तो आपने ऐसा करना है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखना है, उसमें कुछ पॉइंट्स है वो आपने देखने हैं, और आपने उसके बाद जो है सेकेंड पार्ट देखना है सीरीज वाइज। तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि वीडियो में क्या हो रहा है और मैं जो हूँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो है हाउ टू राइड या हाउ टू लर्न इस वीडियो में। आज एसी बस है, एसी के लिए आज जरूरी है। बाइक के पावर से आप नहीं कर सकते हो। ये रहा आपका लेफ्ट साइड का, तो अपनी ब्रेक लगानी है, तो ये है राइट साइड का। ठीक है, ये बैठने वाला बैलेंस के लिए दोनों मित्रों बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये सेफ्टी है, अब आगे से कोई गाड़ी गुड़ी आ जाए तो एकदम रोकना पड़ता है। तो आपने जब एकदम रोकना हो तो उसके बाद आपने करना क्या है, क्लच आपने दबा के रखना है। क्लच आपने दबा दी, इससे आपका ऐसा है कि इंजन बंद नहीं होगा, और साथ में ब्रेक लगा दी, बाइक आपकी उसी जगह रहेगी और आपका जो है इंजन भी बंद नहीं होगा। तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक तो आपको ज़्यादा हैवी गियर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर हूँ दूसरे गियर पे, जैसे ये आपका पहला गियर है। अब आप सुन पा रहे होंगे कि जो इसकी आवाज़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी हो रही है, ज़्यादा घूँ 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 कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर ज़्यादा जोर पड़ रहा है, क्योंकि 14 स्पीड में आ चुका है। तो अभी बोल रहा है कि ज़्यादा स्पीड हो चुकी है भाई, थोड़ा स्पीड कम कर ले या स्पीड बढ़ा के थोड़ा गियर अप कर ले। तो आपने करना है क्या, एक साइड क्लच पकड़ना है, नीचे आपने जो गियर है आपको पता है ये अप करना है। अब दूसरा गियर अप है, क्लच पकड़ा और ये आपका जो है गियर अप करा, आपका दूसरा गियर पड़ जाएगा। और अभी आप नए हैं तो आपके दूसरे गियर से ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमसे जब आपका हाथ बैठ जाएगा उसके बाद तो आप मजे से जाओ, चाहे दूसरे जाओ, तीसरे जाओ, चौथे जाओ, पाँचवें जाओ, छठा है तो छठे पर जाओ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत स्टार्टिंग 5-7 दिन रहती है। और एक और आसान तरीका है, अगर आपका जो है हाथ नहीं बैठ रहा है क्लच के ऊपर और ब्रेक के ऊपर और नीचे आपके गियर के ऊपर, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपनी बाइक को आपने सबसे पहले साइड जो स्टैंड होता है उससे हटा के जो बीच का स्टैंड है उस पर लगाना है। बाइक आपने स्टार्ट करनी है, ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं बाइक की स्टैंड स्टार्ट है, इंजन उसका स्टार्ट है, इंजन में वर्किंग उसकी हो रही है। और आपको चाहिए कि आपकी जो बाइक है या आपका जो क्लच है वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, वो एकदम छूट जा रहा है, ऐसे छूट जा रहा है, बाइक बंद हो जा रही है। हर बार ऐसे हो रहा है, आप क्लच ला तो रहे हैं यहाँ पे लेकिन वो अचानक छूट जाता है, या जो स्वीट पॉइंट होता है वो पकड़ में नहीं आ रहा है आपके, और बाइक जो है बिल्कुल बंद हो जाती है। क्लच आपने पकड़ना है, ठीक है, क्लच आपने पकड़ लिया, आपको पता है पहला गियर अग्गे है, ठीक है, ये डाला आपने पहला गियर और क्लच एकदम छोड़ दिया, बाइक आपकी पहले गियर में चल पड़ेगी। ये आप देख पा रहे हैं बाइक इस टाइम पहले गियर में 5 की स्पीड में चल रही है, ठीक है। इस साइड आपका एक्सेलरेट है, एक्सेलरेट किया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा एक्सेलरेट किया आपने, इसकी जो RPM बढ़ाई, ये बढ़ाई आपने, ये देख रहे हैं आप बढ़ गई है, 10 से ऊपर जा रही है, RPM बढ़ी। फिर आपने क्लच पकड़ना है, दूसरा आपको पता है वो ऊपर है, ठीक है, क्लच पकड़ा और ये आपने दूसरा गियर डाल दिया, देखो देखो ये दूसरा गियर पड़ गया यहाँ पे। फिर अगला डालना है आपने तीसरा, क्लच पकड़ना है उसके ऊपर करेंगे, ये आपका तीसरा पड़ जाएगा, ठीक है। बाइक आपकी चल रही है, वो जो उसकी स्पीड होनी चाहिए ऐसे खड़े में वो उतने में चल रही है, आप देख रहे हैं बाइक अपने हिसाब से चल रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और वहाँ भी देख रहे हैं आप तीसरा गियर पड़ा हुआ है। और उसके बाद क्या करना है, आपने क्लच फिर पकड़ना है और ये एक ऊपर किया, आपका वो चौथा गियर पड़ गया वहाँ पे, ठीक है। वैसे ही पांचवा डालना है, क्लच आपने दबाना है, एक ऊपर किया टांग से और क्लच एकदम झटके छोड़ना है, बाइक जो है आपकी चलती रहेगी और आपका जो है बैलेंस बनता रहेगा। वैसे ही डाउन करना है, अगर आप किसी सीधी जगह में है, कोई आगे पीछे नहीं, तब तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे क्लच दबाया, एक डाउन किया, छोड़ दिया। और क्लच जब आप बाइक जब चल रही है तो आपने बाइक
उठानी है ना तब तो आपको क्लच आराम से छोड़ना पड़ेगा। जैसे एक जगह खड़ी है बाइक पहले गियर में, तो आपको जो है बाइक का जो क्लच है वो आराम से छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब बाइक चलती है तो उस टाइम उल्टा होता है काम, उस टाइम आपने क्लच एकदम छोड़ना है, झटके से एकदम छोड़ना है। जब एक जगह खड़ी है तब तो आपने आराम से ले जाना है, स्वीट पॉइंट ढूंढना है, छोड़ना है। लेकिन जब बाइक चल रही है पहले गियर से ऊपर है, तो आपने क्या करना है, क्लच दबा के एकदम छोड़ना है, क्लच दबाना है एकदम छोड़ना है, क्लच दबाना है एकदम छोड़ना है। तो वैसे ये भी चौथे गियर में बाइक आपने नीचे लानी है, क्लच दबाया आपने, ठीक है, क्लच दब गया, नीचे को डाउन किया, और ये तीसरा गियर वैसे ही और डाउन करना है, क्लच दबाया नीचे को, क्लच दबाया नीचे को, पहला आ गया। और जब आप न्यूट्रल में लाना है, क्लच दबाना है, आपको पता है पहला डाउन होता है बाकी सारे ऊपर होते हैं, तो ये एक ऊपर किया आपकी जो बाइक है वो आपकी न्यूट्रल में आ जाएगी, ठीक है। इस टाइम आपके टायर जो है वो चलना बंद हो जाते हैं न्यूट्रल में, एक जगह खड़ी रहेगी वो। वैसे ही आपने एक दो दिन ऐसे प्रैक्टिस करनी है जब तक आपका हाथ नहीं बैठता बाइक के ऊपर। जब आपका हाथ बैठ जाएगा बाइक के ऊपर, उसके सारे कंपोनेंट्स के ऊपर, तो आप उसको दूसरे से तीसरा उठा सकते हैं, तीसरे से चौथा उठा सकते हैं। तो यही है, फिर हर रोज़ आपने प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि आज प्रैक्टिस की उसके बाद आप 10 दिन बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं, हर रोज़। अगर आपकी अपनी बाइक है तब आप हर रोज़ कर सकते हैं, क्या हर घंटे के बाद कर सकते हैं। किसी दोस्त की है तब आप हर रोज़ करें, तब आपका हाथ जल्दी बैठेगा। अगर आप थोड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं और सेकंड में आपको जो है गियर डाउन करना पड़ रहा है, तो आपने ऐसा नहीं करना है जैसे पहला था कि क्लच दबाया एक डाउन किया उसे क्लच छोड़ दिया, क्लच दबाया एक डाउन किया एकदम क्लच छोड़ दिया, नहीं। ये प्रिंसिपल तब लागू होगा जब आप हाईवे में चल रहे हैं, जब आपके आगे पीछे दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, ये तब करना है। लेकिन जब गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं और आप चाहते हैं कि 5 बजे से आप डायरेक्ट पहले गियर में आ जाएं, कई बार ऐसी पोजीशन आपने देखी होगी, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको 5वें गियर में होते हैं आप और आपको डायरेक्ट जो है लास्ट गियर में जाना है, फर्स्ट गियर में, ठीक है, करके दिखाता हूँ अभी मैं। पहले आपको 5वें गियर में ला के दिखाता हूँ। जैसे ये 5वें गियर में आ गया, ठीक है, चल रहा है सब कुछ। अब आप देखते हैं कि जैसे आप चल रहे हैं और आगे से एकदम गाड़ी आ जाती है आपके, एकदम आगे आपकी गाड़ी आ जाती है, तो आपने क्या करना है, क्लच आपने दबा के रखना है, क्लच आपने छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, क्लच आपने छोड़ना ही नहीं है। अभी देख रहे हैं आप 5वें गियर में, क्लच आपने छोड़ना नहीं है, क्लच पकड़ के रखना है और गियर आपने एकदम डाउन करना है। और देखो गियर डाउन हो गए, ये पहला आ गया और ये आपका बीच में जो है न्यूट्रल आ गया, बस ये रखना है आपने, क्लच आपने दबा के रखना है, गियर आपने एकदम फटफट करते एकदम डाउन करने है। तो ये करना है आपने इस सिचुएशन में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपसे हाथ पकड़ के निवेदन है कि बस जब भी आप बाइक चलाएं तो अपनी सेफ्टी को कभी ना भूलें, क्योंकि आप हमेशा ये सोच के चले कि मैं तो अभी मज़े ले रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा एक बंदा है जो मेरा इस टाइम घर में वेट कर रहा है, उसको मेरी फिक्र है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दोस्त या कोई भी, वो इस टाइम बाहर गया और आएगा, वो आपका वेट कर रहे हैं। तो फुकराबंदी कभी नहीं करनी है। मैं देखता हूँ कई बंदे जो है हेलमेट नहीं लगाते हैं, चप्पल पहननी होती है उन्होंने पाँव में, और चप्पल पहन के जो है वो लगाते हैं बाइक चलाने, या फिर शॉर्ट्स पहने होते हैं उन्होंने यहाँ तक और बाइक चलाने चले जाते हैं वो लोग। तो ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। फुकराबंदी अपनी जगह है, लेकिन जो जान है वो आपकी अपनी जगह है। तो जब भी चाहे 1 किलोमीटर जाना है आपने, 5 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, जितना भी जाना है आपने, आपने जो है सेफ्टी गियर्स पहन के रखना है। अब मैं मानता हूँ सेफ्टी गियर उतने आसान नहीं होता लेना और इतने सस्ते नहीं होते हैं कि सब ले सकें, लेकिन जो नॉर्मल सेफ्टी गियर्स है जो आपके पास है घर में है, वो तो कम से कम आपने पहनना ही है। जैसे आपको बताया था मैंने, हेलमेट हो गया आपका, ठीक है, शॉर्ट्स नहीं पहनना है, जींस की पैंट पहनो या कोई दूसरी पैंट पहनो जो थोड़ी टिकाऊ हो, जो थोड़ी मजबूत हो। फिर उसके नीचे आपने जो सबसे नीचे आपने जूते पहनने हैं, जूते हमेशा पहनने हैं, और
हाथ में ग्लव्स थे हमने। अब मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय। I will always be the one that's right here standing by your side.